से चार की विंडो में इन्हें तीन टाइप के ही लोग मिल रहे हैं, नशेड़ी, शराबी और रिलेडी। रिलेडी पता है ना आपको, वो लड़कियां जो रील्स बनाती हैं, ये ऐसी टाइप की। ये भूत से नहीं डरेगी, उसको पकड़ लेंगे, कोलैब करोगे हमारे साथ? भूत के बच्चे को रिंग लाइट पकड़ा देंगे, वो कहेगा पापा आप तो कह रहे थे शिकार पे लेके जा रहे हो, ये क्या करवा रहे हैं? ये और भूत दोनों कर रहे हैं मनी डोंट जिगल जिगल राइडिंग माय पीएचए। मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मा मुझे बहुत ज्यादा डराती थी, मतलब उनको कोई भी काम करवाना होता था ना तो मुझे डरा देती थी कि बेटा ये दूध पी लो वरना सरकटा भूत आ जाएगा। मैंने कहा आके करेगा क्या, पी तो पाएगा नहीं ना, मुझे भी दूध के टेस्ट से ही प्रॉब्लम है, गर्दन काट के तो मेरे अंदर भी डाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मम्मी मुझे बचपन से ऐसे डराती आ रही है। तो एक दिन मेरी मम्मी बोलती कि बेटा ये लौकी की सब्जी खा लो वरना वो कोने में चुड़ैल खड़ी है ना वो तुम्हें खा जाएगी। मेरी दादी खड़ी थी वहां, मम्मी की मैक्स ही पकड़ के दादी ने जो पराठे फेड़ाई है, मम्मी का बूमरैंग बन गया है वहां पे। बहुत मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा डराते थे मुझे भूत वगैरह से, और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब थोड़ी डरूंगी मैं। तो मैं घर आई हूँ अभी इतने टाइम बाद, तो मेरी मम्मी मुझे बोल रही है कि बेटा शादी कर लो वरना सरकटा फिर से आ जाएगा। मैंने कहा बुला लो कोई दिक्कत नहीं, जैसे चूतिया लड़के मुझे मिल रहे हैं मैं भूतिया लड़के से कर लूँगी शादी, क्या प्रॉब्लम, गर्दन ही नहीं रहा मैं लेके घूमूंगी कि देखो मीट माय नेकलेस हस्बैंड, क्या दिक्कत है? कुछ पावर्स होती ना, ये कैसी पावर है कि रात को सिर्फ 12 से 4 निकल पा रहे हैं, अपनी ऑडियंस को जगा जगा के अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, ये कैसी पावर है बताओ मुझे? 12 से 4 की विंडो में इन्हें तीन टाइप के ही लोग मिल रहे हैं, नशेड़ी, शराबी और रिलेडी। रिलेडी पता है ना आपको, वो लड़कियां जो रील्स बनाती हैं, ये ऐसी टाइप की। ये भूत से नहीं डरेगी, उसको पकड़ लेंगे, कोलैब करोगे हमारे साथ? भूत के बच्चे को रिंग लाइट पकड़ा देंगे, वो कहेगा पापा आप तो कह रहे थे शिकार पे लेके जा रहे हो, ये क्या करवा रहे हैं? ये और भूत दोनों कर रहे हैं माय मनी डोंट जिगल जिगल ओ या राइडिंग माय पीएचए करते हैं। और दूसरे इनको मिलते हैं वो शराबी लड़के जो नशों में पड़े रहते हैं, हाँ ऐसे सर आपका क्या नाम है? इसके पीछे से आज चीलों की आवाजें आएंगी, चुड़ैल तैयार हो क्या? ये 12:15 बजे ऋषा मैं आ गई, कहता बेबी तुम वापस आ गई, राजीव चौक उठा के जब मैंने मेट्रो येलो लाइन से रेड लाइन पे मारे से मॉब के लिए पड़ जाती कि चुड़ैल है चुड़ैल क्यों नहीं जा रही है वहां? ये हरियाणा के लड़कों के डर की वजह से ये उसको पकड़ लेंगे कि देख सोनू कितनी सूत्री लग रही है सब मेरे साड़ी में। डाल ले इसने गाड़ी में वो कह रही जा रही हूं इज्जत ज्यादा प्यार के टारगेट कोई नहीं पूरा कर रही है। वो तो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको लग्जरी बहुत ज्यादा पसंद। आपने कभी देखा है कि कोई इसे डेरा बसी के 1 BHK में अंकल बाल्टी मग्गे से हमाम का साबुन मंथले मंगते रूपा कच्छा पहन के नहा रहा हो और भूत ने आके उसकी लास्टिक खींच दी हो? कभी सुना कभी अखबार में आया ही नहीं कि अंकल आपका साबुन आपके कच्छे में डाल दूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। वहीं कोई ऐसी लड़की लेट जय मनाली ऊटी मसूरी में बाथ टब में ग्लास लेके वाइन का आके उसकी टांग खींच देते हैं। यार ये हो क्या रहा है? समाज भी लड़कियों की टांग खींच रहा है, भूत भी लड़कियों की टांग खींच रहे, चल क्या रहा है यार? और आपने सबसे करो लड़कियों करो बैठे। भूतों के दो ही टारगेट ग्रुप होते हैं मुझे लगता है, एक छोटे बच्चे और एक ठरकी लोग, बस इन्होंने डिसाइड कर लिया इनकी ही फाड़ दी है जिंदगी। छोटे बच्चों से क्या प्रॉब्लम, उनके टेडी बेयरों की आंखों में से लाइटें निकाल निकाल के
इन्होंने सारे बच्चों को मोतिया बिंद कर दिए, चू 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 चू, क्या है यार, क्या कहा है उन्होंने, अभी तो वो छोटे हैं। और दूसरे घर के लोग, अब एक लड़का लड़की को चंडीगढ़ से मनाली तक का सफर पता कितना लंबा होता है, क्या क्या बोलना पड़ता है, इसको क्यों कह रहे हैं, लेके जाता है कि सबको इस काम के लिए दिए तुमने फॉर्च्यूनर इसको, हम जब मनाली जा रहे थे तुम्हारी फॉर्च्यूनर तो नहीं थी जिसको मेरे पापा टो करवा रहे थे। बट इतना लंबा होता है यार ये सफर, लड़का क्या क्या बोलता है, लड़की कि बेबी मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ अलोन टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो वैष्णो देवी चला जाना फिर। इतना कुछ करने के बाद लड़का लड़की को लेके गया, उनको एंजॉय करने दो, बहुत अच्छे एंटरटेनर तो है नहीं, अच्छी ऑडियंस, तुम्हारे सामने सेक्स चल रहा है यार, तुम बैठ के देखो, तुम साइड में छोड़ो, तुम बीच में बैठ के देखो यार उनके, मत करने दो उनको, तुम्हें चलाने दो, मत करने, लड़के का कॉर्नर फाड़ दो तुम, लड़के के बम में गुदगुदी करो, उसके पेट में गुदगुदी करो, मत करने दो उसको, लड़की के मुंह से किसी और का नाम निकलवा दो, क्या दिक्कत है तुम्हें, नहीं वहां भी लगे संजना सोच रही है यहाँ पे बोरी हो रही हूँ चलती हूँ। सारी आवाजें लड़कियों को ही सुनती है, लड़के को एक आवाज नहीं सुन रही, क्योंकि लड़का तो दूसरी आवाज सुनने में इंटरेस्टेड है। सबसे बड़ी बात है कि ये इनको डराने का तरीका जो है ना वो बोरिंग हो गया, कोई डरता ही नहीं, ऐसे आएंगे दरवाजा खोलेगा जी, पंखा स्लो जाएगा, अलमारी में बैठ जाएंगे, तुम सोफे में बैठो, तुम भूत हो यार, थोड़ी तो इज्जत रखो, ये कोई डराने का तरीका, तुम्हें डराना कुछ अलग तरीके से डराओ, कोई दाल खा रहा है दाल में से निकल गया, फट जाएगी इंसान की, आप पॉर्न देख रहे हो, चुड़ैल निकल गई, मर नहीं जाओगे आप वहां पे, ऐसी मौत मरोगे, माँ बाप तुम्हारी लाश को हाथ में लगाएंगे, ऐसे टिश्यू पेपर से उठा के बैठेंगे, लो ले जाओ इसको, ये हमारा टर्की था ले जाओ इसको। क्यों नहीं डराते ये अलग अलग तरीके से, सर आप कोको कोला फिर निकल जाएगा, फट नहीं जाएंगे, कॉमेडी शो देखने के लिए चुड़ैल निकल गई, हाँ बुढ़ा ऐसे नाभि खुजा रहा है अपनी बैठ, यहाँ से निकल गए बुढ़ा मर जाएगा। पर आपने एक बात नोटिस की, ये कभी बुढ़ों के मुंह नहीं लगते, आपने कभी देखा किसी मूवी में बुढ़े की छड़ी लेके बेसमेंट में भाग गए कि आजा 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 आजा, कभी देखा किसी भी और मूवी, कभी भी नहीं, क्योंकि जितनी देर में बुढ़ा बेसमेंट तक आएगा इसका 12 से 4 का टाइम ही खत्म हो जाएगा, क्यों शिफ्ट खत्म हो गई यार अब तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, तुमने यहाँ तक देख ली तो अब वीडियो को लाइक भी कर दो, इस पे कॉमेंट करके बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, इसे शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली ऋषभ के साथ, को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए ना सबसे पहली नोटिफिकेशन आप लोगों को जाए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर जी हाँ, क्योंकि वहाँ मैं जोक्स डालती हूँ, रील्स डालती हूँ, फोटोज डालती हूँ, शो अपडेट्स डालती हूँ, बेसिकली जो यूट्यूब पे नहीं डाल सकती वो इंस्टा पे डालते हैं हम, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरा इंस्टा हैंडल बहुत ही आसान है जी हाँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मैं आ रही हूँ आपके सिटी में अपने शो के साथ, जी हाँ मैं कहाँ कहाँ आ रही हूँ, किस डेट को आ रही हूँ वो सब नेक्स्ट स्लाइड में है, और टिकट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले कमेंट में, फटाफट जाओ टिकट ले लो,